दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धनी की लोक अदालत लगने वाली है 14 मई को, और काफ़ी सारी इस पे वीडियो बन चुकी है। लेकिन मैंने कल एक व्यक्ति की वीडियो देखी है कि उस पे अभी तक फ़िलहाल व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे नॉलेज सबसे अच्छी रखते हैं, ये तो यूट्यूब का फ्यूचर है। कभी किसी पे ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, कभी किसी पे। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा यूट्यूबर बहुत अच्छे क्रिएट कर देता है, लेकिन उसके कंटेंट पर व्यूज नहीं आते, वो तो यूट्यूब का फ्यूचर है। लेकिन मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जिसके आजकल अच्छे व्यूज आ रहे हैं, उसने धनी पे बोला है कि आजकल और किसी की वीडियो ना देखे। यूट्यूबर आपको कुछ बताएंगे कुछ बताएंगे, लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, ये कितने दिनों के यूट्यूबर है जो धनी पे वीडियो डाल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप साइड में देख सकते हैं कि मुझे 1 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 2 साल ही होने वाले हैं कुछ दिनों में, कि धनी पे वीडियो चल रही है और लगातार चल रही है। आप उनसे केवल एक सवाल करें, क्या आपने कभी धनी से लोन लिया है? अगर नहीं लिया तो कुछ का कुछ फेंक देंगे, वो तो उसे पता है कि आपने लोन ले रखा है। आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज हो गई क्योंकि आपने लोन ले रखा है, किस प्रकार से आप रोज़ हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उनसे केवल एक सवाल जरूर करना कि आपने लोन लिया है। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले धनी से लोन लिया है। लोन देने को मैं एक दिन में रिपेमेंट कर दूंगा। क्यों रिपेमेंट नहीं करता? क्योंकि अपने व्यूवर्स को रियल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि धनी क्या करेगा। अब से 10 दिन पहले नोटिस आया था, और सबसे पहले वीडियो मैंने ही डाली थी कि लोक अदालत का जो नोटिस आया है, इसमें आपके साथ क्या हो सकता है। तो मैंने फिलहाल लोन ले रखा है, जो जो मेरी सब्सक्रिप्शन फीस है 1049 हो चुकी है। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू है 8910 रुपये। ठीक है, और लेट फीस चार्ज है 1031 रुपये। और यहाँ समझ लीजिए, आज फिलहाल की डेट में 10999 रुपये हो चुके हैं, और मैंने 10,000 रुपये लिए थे, 1,000 रुपये पेड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से धनी का लोन मैंने ले रखा है, तो मुझे पता है कि धनी क्या कर सकती है और क्या करेगी, और इसीलिए रीपेमेंट नहीं करता कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और मैं आपको बता देता हूं कि मुझे कितनी नॉलेज है। मैंने बीकॉम की थी। ठीक है, तो बीकॉम फाइनेंशियल से होती है, बैंकिंग से होती है, अकाउंट से होती है। ठीक है, तो इसलिए फुल नॉलेज है मुझे, इंश्योरेंस वगैरह की हर चीज़ की फुल नॉलेज है। और लॉ मैंने LLB करी है, बीकॉम करी है। ठीक है, BCom करी है, LLB करी है, और अब LLM चल रही है मेरी। ठीक है, ये भी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इस ईयर में। तो इस तरीके से लोगों की पूरी नॉलेज है, तो कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए, आप YouTube पर किसी की वीडियो देख सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर कहते हैं केवल हमारी वीडियो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जहाँ भी नॉलेज अच्छी मिले आपकी समझ में, जिसकी वीडियो आए उसकी देखो। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ, मैंने लोन लिया था जो है, ये 19/9/2021 में लिया था, और आज डेट है 9 तारीख 5वां महीना 2022। लगभग 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो केवल अभी 1031 रुपये चार्ज लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी दिनों से मेरे पर लोन चल रहा है। ठीक है, 10,000 एक मिनट में पे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन धनी लोक अदालत बुला रहा है, इसका मतलब पहले समझिए। उसने बोला है कि धनी की जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत लग रही है, वैसे तो एक ऐसा एजेंडा है कि इससे ज़्यादा पेमेंट उनके निकल जाएगी। अगर लग रही है तो उस व्यक्ति को जाना जरूर है जिस पे 25,000 रुपये से लोन ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहा है। उन्हें वहाँ पर जाकर सेटलमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए, सर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वे लोक अदालत बुला रहे हैं तो इसका मतलब है फ्रॉड कैसे हुए। फ्रॉड तो फिर हम हुए ना, क्यों हम नहीं जा रहे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, उसका मतलब यह नहीं कि आप पे केस करेंगे। वहाँ लोक अदालत का मतलब ये होता है कि सेटलमेंट करेंगे, अपनी बात रखो आप, वे आपसे मतलब कुछ बात करेंगे। ठीक है, वहाँ नहीं कि आप लोक अदालत गए और वहाँ जाके जेल में बंद कर दिए, भाई अब जो तो वापस भी नहीं आने के, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और देखिए, उसे भी जाना चाहिए जिसकी एक्स्ट्रा पेनल्टी है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वो सोचता है कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं, तो उसे नहीं बिल्कुल भी जाना चाहिए। ठीक है, अगर है, अगर उसकी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकता है। और फ्रॉड एप्स लोन अप्रूवल, पहले ऐसा हुआ किसी के भी डॉक्यूमेंट पे किसी ने भी लोन ले रखा है और वो शो कर रहा है उसके, तो उसे जाके जवाब मांगना चाहिए, सर ये लोन तो मैंने लिया ही नहीं, ये कैसे कैसे अप्रूव हो गया मेरे बिना। मेरी सेल्फी मांगता, कॉन्टैक्ट वगैरह जो मांगता, और पैन कार्ड आधार कार्ड में अप्रूव करता, तो आपकी लोन में डिफॉल्ट है, इसे सही करो और मेरा लोन रिमूव करो यहाँ से। ठीक है, हटाओ बिल्कुल। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोक अदालत में आज बैठे तो आज आपकी रिपोर्ट करके जाऊँगा, और 2-4 अपने आदमी लेके जाओ,
जिस पे ज़्यादा पेनल्टी लग रही है वे दो चार अपने आदमी लेके जाओ। और पेमेंट नोट अपडेट, जिसकी पेमेंट अपडेट ही नहीं हो रही, काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे कि पेमेंट कर भी दिया है लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है, सिबिल में अभी तक दिखाई रहा है, आपकी लोन में भी, एप्स लोन में भी दिखाई रहा है, तो उन व्यक्तियों को सिबिल में, मतलब कि लोक अदालत में जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवानी चाहिए। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि अगर प्रॉब्लम आपकी है और वो सोल्व नहीं हो रही है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख देख के थक चुके हैं, तो उसे लोक अदालत जाके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गारंटी लिख के दे रहा, मैं खुद जाऊँगा, ठीक है, मैं आपके लिए जाऊँगा और खुद भी जाऊँगा कि लोक अदालत में, और देखिए एक भी पैसा ले कर नहीं जाऊँगा, ठीक है, मतलब कि पेमेंट नहीं करूँगा बिल्कुल भी जाके। आप फिर आते ही वीडियो बनाऊँगा कि हुआ क्या, मैं दोस्तों रियल वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल रियल वीडियो, मतलब ऐसे यूट्यूबर नहीं बना मैं कि कुछ भी बकवास कर दिए, आप कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। देखिए जो काम आप करते हैं और जो काम दूसरा करता है, करता ही नहीं, तो उसे ज़्यादा नॉलेज होती है जो नहीं करता, क्योंकि वो तो फैक्ट है ना, ये तो मैं भी कर देता, एक मिनट में कर देता, इस तरीके से आप बच सकते हैं। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसका तो ज्ञान आपको ही है कि मैंने किस प्रकार से करा है। यार हमें पता है कि हमें रोज़ कितना परेशान करते हैं और ये क्या कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरे पे आई है कहाँ से, यहाँ से, बीकॉम एलएलबी एलएलएम, ठीक है, बैंकिंग की पूरी नॉलेज है, लॉ की पूरी नॉलेज है। तो इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि किसी से ने बोल दिया कि उठा के खड़ा होके कि यार कुछ नहीं होने का, बिल्कुल ये नहीं हो जाएगा भाई। जिसने लोन दे रखा है सब काम करेगा, फ़ोन भी करेगा, कॉल भी करेगा, एसएमएस भी करेगा, नोटिस भी करेगा, मैसेज भी करेगा, एजेंट भी भेजेगा। और रही बात केस की, देखो इसमें केस बिल्कुल चलता नहीं है, सिविल स्कोर होता है डाउन, तो केवल सिविल रिपोर्ट करेगा। और सिविल भी आपने देखा होगा कि सिविल भी अब जब ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो ग्रो इसलिए हो रहा है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड है वे 3 महीने में एक बार रिपोर्ट भेजते हैं, बार बार रिपोर्ट नहीं भेजते बिल्कुल भी, 3 महीने में एक बार रिपोर्ट भेजते हैं। अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ लो हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ना हो जाएगा, लेकिन उसमें एक सिचुएशन रहती है कि लो जो मतलब कि अपडेट आता है वो लो रहेगा, ठीक है, लो दिखाई देगा नीचे, वो अपनी होएगा। और अगर सही कराना है तो सिविल में जाकर रिपोर्ट कर दो, अगर आपका जो मतलब लोन है आपने पेड भी कर दिया और सिविल सही नहीं हो रहा तो आप रिपोर्ट कर दो, पहली बात। तो अगर आपने पेड कर दिया तो नेक्स्ट मंथ ही आपकी रिपोर्ट चली जाएगी, किसी भी लोन ऐप से लोन ले रखा है, रिपोर्ट चली जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।